एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर सू के सर पे कोई मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद किडनैपर दोनों को ही उठा के ले जा लेता है और किडनैपर हैवी ड्राइवर होता है और वो किसी कार को ठोक देता है। इत्तेफाक से वो कार शिओ चैंग की ही होती है। फिर शिओ चैंग उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है और देखता है कि नैनियन और मिस्टर सू को बांध दिया है। फिर शिओ चैंग सोचता है मिस्टर सू यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, ये चिंता करने का टाइम नहीं है, इन दोनों को बचाना ज़रूरी है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। इसके बाद किडनैपर इंजेक्शन निकालता है और नैनियन को बोलता है इस चीज़ से तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा। फिर वो नैनियन को इंजेक्शन बस लगा ही रहा होता है और तभी शिओ चैंग बोलता है तुम सब रुक जाओ, उन दोनों को जाने दो नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। फिर वो किडनैपर बोलता है एक और आ गया, तुम सब तो गए। फिर शिओ चैंग बोलता है तुमने उसके साथ क्या किया, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। फिर किडनैपर बोलता है तुझे हीरो बनने का बहुत शौक है ना, तेरी हीरोगिरी निकालता हूँ, जाओ मारो उसे। इसके बाद इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर शिओ चैंग सोचता है मुझे ये लड़ाई जल्द ख़त्म करनी होगी, मुझे जानना होगा इन लोगों ने उस पागल औरत के साथ क्या किया है। इसके बाद वापस ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर शिओ चैंग सोचता है इतनी देर से मैं लड़ रहा हूँ, ये पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं, अगर वो नहीं आई तो हम तीनों यहीं मारे जाएंगे। इसके बाद वो किडनैपर बोलता है तुम उस हसीना को बचाने आए थे पर तुम्हें बिल्कुल ताकत नहीं है। इसके बाद पुलिस सायरन की आवाज़ आती है और किडनैपर बोलता है पुलिस इतनी जल्दी आ गई, सबसे पहले इन तीनों को छुपाओ। इसके बाद उन तीनों को किसी अंधेरी जगह में छुपा देते हैं और शिओ चैंग बोलता है लुनैनियन लुनैनियन उठो, तुम अगर मर गई तो एक कॉमिक को आगे कैसे बढ़ाएंगे, वैसे भी आजकल ऑडियंस प्यार बहुत कम दिखा रही है। फिर नैनियन कॉमिक की खातिर उठ जाती है और शिओ चैंग बोलता है ओ शाबाश तुम उठ गई। फिर नैनियन बोलती है हम कहाँ हैं। फिर वो बोलता है हम समुद्र में किसी कंटेनर के अंदर हैं, पुलिस आई होगी और उन लोगों ने हमें यहाँ छुपा दिया। फिर नैनियन उठती है और जाके शिओ चैंग से चिपक जाती है। फिर शिओ चैंग बोलता है हे तुम क्या कर रही हो, मैंने यह सब तुम्हें बचाने के लिए किया है। फिर मिस्टर सू बोलता है नैनियन ये रोमांस करने का टाइम नहीं है। फिर नैनियन बोलती है शिओ चैंग क्या तुम्हें ठंडे पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर शिओ चैंग बोलता है तुम अब अच्छी होने का नाटक कर रही हो ना, अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो निकलो यहाँ से। फिर नैनियन बोलती है इस जीने और मरने के मामले में मजाक के लिए किसके पास टाइम है। फिर मिस्टर सू बोलता है क्या हुआ लुनैनियन। फिर नैनियन बोलती है मुझे लगता है कि हम बहुत खराब हालत में हैं। सुरुयन उसी गर्दन पर देखो, तुमने कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई की है ना तो तुम ये देख के पहचान सकते हो। फिर मिस्टर सू बोलता है उसके गर्दन पे एक लाल निशान है। फिर नैनियन बोलती है हाँ पर यह लड़ाई से नहीं हुआ होगा, कोई ये नहीं सोच सकता कि गुओ शिओ चैंग गुओ ग्रुप का चेयरमैन और उसका फ्यूचर कैंडिडेट को क्लस्टर फोबिया है। फिर शिओ चैंग बोलता है क्या कुछ भी मतलब मुझे कोई फोबिया वोबिया नहीं है। फिर नैनियन सोचती है किडनैपर्स ने पहले मुझे ही टारगेट किया और मेरे कारण सुरुयन भी पकड़ा गया, फिर इन लोगों का एक्सीडेंट शिओ चैंग के साथ हुआ, फिर शिओ चैंग को भी पकड़ लिया। अगर वो मुझे मारना चाहते थे तो एक सीरिंज में जहर भरने से वही होता जो वो चाहते थे, तो फिर मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। फिर मिस्टर सू सोचता है लुनैनियन ऐसी सिचुएशन में भी इतनी शांत है और मैं एक आदमी होकर भी इतना डर रहा हूँ, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। फिर नैनियन बोलती है मुझे लगता है मेरे पास यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। फिर मिस्टर सू बोलता है क्या सच में। फिर नैनियन बोलती है वो लोग यहाँ नहीं होंगे है ना, क्योंकि पुलिस वाले आसपास होंगे तो वो लोग यहाँ से कहीं गए होंगे, इसलिए हमारे पास अभी भी बचने का एक मौका है। फिर शिओ चैंग बोलता है अभी तक कोई आया क्यों नहीं, मैंने पुलिस को कब से कॉल कर दिया है। फिर मिस्टर सू बोलता है ओए अपना मुंह बंद कर ले, कितना आवाज़ करता है ये। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।